दोस्तों कार या फिर बाइक के बॉडी से स्क्रैच वगैरह को रिमूव करने के लिए बहुत सी सारे महंगा महंगा स्क्रैच रिमूवर तो हमें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन उन सारे स्क्रैच रिमूवर को यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उनके प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। और हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स भाई भी शायद ऐसा ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि प्राइस भी जिसका कम हो और क्वालिटी भी जिसका अच्छा हो। तो आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में एक प्रोडक्ट है हमारे पास, मोटोमैक्स का 2K रबिंग कंपाउंड। ये जो है ये एक 100 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है दोस्तों सिर्फ 65 रुपीज, जो कि आज के जमाने में मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, हर कोई परचेस कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोडक्ट का यूज करके देखेंगे ये कितनी बढ़िया क्वालिटी से जो है स्क्रैच वगैरह को रिमूव करता है या नहीं करता है। जो भी हो आप खुद ही देख लीजिएगा वीडियो में। और साथ साथ एक बात बता दूं, इस प्रोडक्ट को हालांकि मैंने 2-3 बार पहले भी यूज कर चुका हूं, लेकिन यहां पर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहना बहुत अच्छा है या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से गलत रहेगा। वीडियो में आप खुद ही देखिए, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। और आप में से जो लोग वीडियो देखने के बाद इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने मोटोमैक्स 2K रबिंग कंपाउंड का इस प्रोडक्ट के परचेसिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, नीचे दिए लिंक से डायरेक्टली आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कार और बाइक रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में हम लाते रहते हैं। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मोटोमैक्स 2K रबिंग कंपाउंड और इसके पीछे के पोर्शन में देखेंगे तो ये एक 100 ग्राम का पैक है और इसके अलावा इसका 200 ग्राम का पैक भी अवेलेबल है और इसका प्रिंट प्राइस यहाँ पर लिखा है ₹65। और ये रबिंग कंपाउंड जो है दोस्तों ये एक छोटा सा जार कह सकते हैं इसको हम, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट सा है। और नीचे के इस पोर्शन में लिखा है रिमूव स्क्रैच पेंट डिफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन, मतलब कार के हो या फिर बाइक के बॉडी से स्क्रैच को रिमूव करने के साथ साथ क्लियर कोट, अगर पेंट का क्लियर कोट थोड़ा सा डैमेज हो गया है, थोड़ा डलनेस आ गया है उसमें, तो उस चीज़ को भी रिमूव कर देगा ऐसा यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है। और साथ साथ कार या फिर बाइक के बॉडी में जो ऑक्सीडेशन वगैरह होता है उसको भी रिमूव कर देगा, लेकिन हालांकि इस वक्त मेरे कार के या फिर बाइक के बॉडी में कोई ऑक्सीडेशन नहीं है तो इस चीज़ को हम आपको टेस्ट करके अभी नहीं दिखा सकते। और साथ साथ पीछे के पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है डो नॉट यूज़ अंडर सनलाइट, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ नहीं करना है। और डायरेक्शंस फॉर यूज़ जो लिखा है, अप्लाई सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ मोटोमैक्स 2K रबिंग कंपाउंड एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली, नेक्स्ट रब विथ हैंड और मशीन इन सर्कुलर मोशन, मतलब इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपको बिल्कुल भी वेट करने का जरूरत नहीं है, लगाने के साथ साथ ही आप जो है रब कर सकते हैं हाथ से हो या फिर बफिंग यानी कि पॉलिशर मशीन से हो। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के ऊपर में कैप है, कैप को इस तरीके से आपको रिमूव करना है और इसके अंदर में एक और कैप है इसको भी हटाना है। देखिए ये रहा रबिंग कंपाउंड। और स्मेल की अगर बात करें दोस्तों, एकदम पेंट का जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर जैसा स्मेल। तो ये जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखते हैं इसका क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कार के बोनेट के फ्रंट साइड के पोर्शन में देखिए यहाँ पर कुछ माइनर स्क्रैच वगैरह है, तो इसके ऊपर में डायरेक्टली मोटोमैक्स रबिंग कंपाउंड जो है 2K रबिंग कंपाउंड को इस तरीके से लगा देंगे। देखिए डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर में लगा देना है। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर देते हैं। देखिए इस पोर्शन में दोस्तों वीडियो को मैं कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले क्या रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों डायरेक्टली जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से इसको वाइप अप कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा माइक्रोफाइबर में भी डायरेक्टली दोस्तों रबिंग कंपाउंड जो 2K रबिंग कंपाउंड को ले लेते हैं माइक्रो मोटोमैक्स का, इसको इस तरीके से लगा के देखिए अच्छी तरीके से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरीके से वाइप अप करेंगे, मतलब एक बार यहाँ पर दोस्तों दो बार यूज़ किया, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। थोड़ा प्रेशर से दोस्तों वाइप अप करना है। रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है, देख लीजिए कोई भी स्क्रैच मार्क क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? अभी पूरा मैजिक जैसा दोस्तों काम किया है। डेफिनेटली दोस्तों एक बार यूज़ करने पर जो है स्क्रैच डेफिनेटली पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा से जब यूज़ किया है
तो स्क्रैच जो है दोस्तों यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं पूरा मैजिक जैसा काम किया है। लेकिन हाँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पर अभी अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मार्क अभी भी दिख रहा है, लेकिन दोस्तों 95 से 98% स्क्रैच जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मैजिक जैसा रिमूव हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मेरे कार के बोनेट के फ्रंट पोर्शन में यहाँ पर कुछ स्क्रैच है जो कि एकदम माइनर स्क्रैच तो नहीं है। तो इसके ऊपर में सबसे पहले जो है मोटोमैक्स 2 के रविंग कंपाउंड को यूज़ करके देखते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा रविंग कंपाउंड को लेते हैं और देखिए यहाँ पर लगा देते हैं, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल भी हमें वेट नहीं करना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा लग गया, तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। सिंपली जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से इसको देखते हैं वाइप अप करके क्या रिजल्ट आता है। थोड़े मीडियम प्रेशर से जो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेकर रब करना है। इसके बाद जो है जिस तरीके से बफ अप करना है दोस्तों मैजिक जैसा रिजल्ट है, आप खुद ही देख लीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम मैजिक जैसा रिजल्ट आया है। स्क्रैच बहुत मतलब काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर जो है देखिए डिसअपियर हो चुका है। यहाँ पर बीच में जो सारे स्क्रैच था सारे के सारे रिमूव हो गए, लेकिन अभी भी दो शायद छोटा छोटा दिख रहा है। ये दोस्तों स्क्रैच नहीं है, यहाँ से पेंट थोड़ा सा उखड़ गया है जिसके कारण इसको रिमूव नहीं कर पाया, लेकिन बाकी के जो स्क्रैच था दोस्तों आप जैसे देख ही सकते हैं काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मेरे बाइक के बॉडी के इस पोर्शन में जैसे आप देख सकते हैं ये रहा पीछे का पोर्शन, तो यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हो या फिर इस पोर्शन में हो बहुत सारे जो है माइनर स्क्रैच है जो कि हाथ लगाने से पता नहीं चलता, लेकिन क्लियरली दिख रहा है आपको। यहाँ पर कैमरा में बहुत मुश्किल से इस चीज़ को फोकस कर पाया है। तो इसके ऊपर में दोस्तों रबिंग कंपाउंड को यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर रबिंग कंपाउंड जो है इसको डायरेक्टली लगा देते हैं, देखिए स्क्रैच को सबसे पहले देख लीजिए, सब जो है ओरिजिनल स्क्रैच है, देख लीजिए दोस्तों एकदम ओरिजिनल स्क्रैच है, ये वाला है ये वाला है। तो इसके ऊपर में देखिए थोड़ा सा रबिंग कंपाउंड को इस तरीके से लगा देंगे, देखिए अब देख ही सकते हैं दोस्तों रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है एक सिंगल यूज़ पर, मतलब एक बार यूज़ करने पर। देखिए काफ़ी हद तक जो है दोस्तों स्क्रैच यहाँ से रिमूव हो गया है, आप देख लीजिए कितना आपको कैमरे में दिख रहा है मुझे पता नहीं। हाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि हर एक स्क्रैच जो रिमूव हो गया है, लेकिन स्क्रैच जो था काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है। हाँ अभी थोड़ा बहुत है इसके ऊपर में देख लीजिए, लेकिन इस पोर्शन में जो स्क्रैच था बहुत सारे वो सारे जो है रिमूव हो गया है यहाँ से डेफिनेटली। आप जानते हैं मेरे कार जो है 5 साल लगभग होने वाला है इसका जो एज है, और साथ साथ वीडियो के पर्पज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं खास करके कार के बोनेट के ऊपर में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सबसे पहले बोनेट के बीच के पोर्शन से एक टेप को यहाँ से चिपका देते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी इस पोर्शन में जो है हम मोटोमैक्स 2 के रबिंग कंपाउंड को यूज़ करेंगे और साथ साथ इस पोर्शन में कुछ नहीं करेंगे, दोनों में कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ दोस्तों, रबिंग कंपाउंड जो है 2 के रबिंग कंपाउंड इसको पॉलिश सोच समझ के कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये कोई पॉलिश नहीं है दोस्तों, कार को पॉलिश करने का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये जो है आपके कार के पेंट के अगर माइनर डिफेक्ट्स वगैरह रहेगा स्क्रैच वगैरह रहेगा तो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे ही लगा देते हैं मोटोमैक्स रबिंग कंपाउंड जो, इसको कपड़े में भी ले लेते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ में। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरीके से जो इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे, सबसे पहले देखिए ऐसे स्प्रेड कर देते हैं यहाँ पर, इसको ड्राई होने के लिए वेट नहीं करना है, लगाने के साथ साथ ही जो है जैसा आप देख सकते हैं हेज लुक में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के जो दूसरा पोर्शन है क्लीन वाला पोर्शन, उससे हम इस पोर्शन को अच्छे तरीके से वाइप अप करेंगे, देखिए। पर दोस्तों एक बात बता दूँ, पॉलिश मशीन होगा आपके पास तो रिजल्ट और भी बढ़िया मिलेगा डेफिनेटली। रबिंग कंपाउंड के लिए पॉलिश मशीन को यूज़ करना ही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहेगा। वाइप अप कर दिया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को देखेंगे, हाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों टेप को यहाँ से हटाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, रबिंग कंपाउंड को लगाने के बाद आप भी शायद देख रहे होंगे यहाँ पर जिस सर्विस में मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था वहाँ पर मतलब क्लियर है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है रबिंग कंपाउंड वाला पोर्शन यहाँ पर जैसे लग रहा है एक लेयर आ गया है। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और भी बफअप करना है इस पोर्शन से, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये तो पॉलिश नहीं है डेफिनेटली, इसमें आपको शाइनिंग लुक तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली,
लेकिन पेंट में अगर माइनर डैमेज वगैरह रहेगा, डिफेक्ट वगैरह रहेगा, उसको ये रिपेयर कर देता है या फिर छोटा मोटा स्क्रैच रहेगा। एग्जैक्टली में हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लेयर आ चुका है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा लेयर आ चुका है आपके कार के इस पोर्शन में, बॉडी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी लेयर नहीं है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक लेयर आ गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हाथ से वाइप अप करने पर जितना हुआ है वही आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर। अदरवाइज़ आपके पास बफिंग मशीन होगा या फिर पॉलिश मशीन होगा तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूँ, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल, मतलब आप अगर यूज़ करके देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, यहाँ पर एक लेयर आ चुका है। देखिए एक लेयर आ चुका है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर नहीं है, इस पोर्शन में नहीं है। देखिए इस पोर्शन में कोई भी ऐसा लेयर नहीं है, देख लीजिए। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोडक्ट का क्वालिटी की अगर बात करें इसके प्राइस के हिसाब से दोस्तों क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन अदरवाइज़ महंगा और भी रबिंग कंपाउंड होगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो और भी अच्छा मिलेगा, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन सस्ते में अगर ढूंढ रहे हैं रबिंग कंपाउंड तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। फाइनली मोटोमैक्स 2K रबिंग कंपाउंड के परफॉर्मेंस और क्वालिटी की बात करें तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने का जरूरत नहीं है, वीडियो में आपने खुद ही देखा। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इतना कम प्राइस में मिलने वाला इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी, जो रिजल्ट देखने के लिए मिला दोस्तों, उस हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी बढ़िया है। तो आप चाहे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल में ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।